से ही आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम भारत के प्रमुख बांध किस नदी पर बने हुए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, दामोदर घाटी बांध। दामोदर घाटी बांध ये कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है, झारखंड में है। भाखड़ा नागल बांध ये दूसरा ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। सतलज नदी पर बना हुआ है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। फिर है रिहंद बांध, ये कहाँ है? रिहंद नदी यूपी में है। हीरा कुंड बांध ये सबसे लंबा बांध पेपर में आता है, हीरा कुंड बांध सबसे लंबा है, महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी में बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में। बगलीहार बांध ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी या भिलांगना में बना हुआ है, उत्तराखंड में है। यानी भागीरथी नदी या भिलांगना नदी में बना है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध, ठीक है। वर्तमान में सबसे ऊंचे बांध की यदि बात करें भारत में, तो वह टिहरी बांध ही है और इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। और दूसरा सबसे ऊंचा कौन है? भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। और हीरा कुंड बांध सबसे लंबा हुआ है, लंबा बांध है। और ये जो बांध है, ये बांध क्यों बनाए जाते हैं? बिजली उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाई जाती हैं, और टरबाइन जो होती है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा, बांधों के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।